दोस्तों शहनाज गिल ने हाल ही में अपने नए चैट शो देसी वाइब्स को शुरू किया है। इस शो के पहले गेस्ट बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव थे, जो कि अपनी फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग का प्रमोशन करने के लिए आए थे। इस दौरान शहनाज ने राजकुमार राव से कई इंटरेस्टिंग सवाल किए। सोशल मीडिया पर शहनाज का ये चैट शो काफी सुर्खियों में है। जी हाँ, चैट शो में शहनाज ने राजकुमार राव से कहा, आप और आपकी वाइफ पत्र लेखा दोनों साथ में एयरपोर्ट पर बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी हाल ही में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट पेरेंट्स बने हैं, तो आप कब बेबी कर रहे हो? इस पर राजकुमार राव ने कहा, मैं कब बेबी कर रहा हूँ ये तो मेरे घर वाले भी नहीं पूछते हैं। सच कहूँ तो मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, मुझे अभी भी लगता है कि मैं खुद एक बच्चा हूँ। इस पर शहनाज गिल बोली, अच्छा ठीक है, जब मन करे तब कर लेना। इस पर राजकुमार राव ने कहा, अगर मुझे बेबी गर्ल होगी तो मैं चाहूँगा कि वो बिल्कुल आपकी जैसी हो, सिंपल स्वीट और सुंदर। बता दें कि शहनाज ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर अपने इस नए शो की अनाउंसमेंट की थी। शो के बारे में बताते हुए शहनाज ने लिखा, मेरा सपना सच हो गया है, आज मुझे ऐसा ही लग रहा है जो मैंने सोचा था वो होने जा रहा है। मैं हमेशा से ही राजकुमार राव के साथ काम करना चाहती थी, आज मैंने उनके साथ अपना पहला चैट शो देसी वाइब विद शहनाज गिल शूट किया है। मेरे चैट शो में आने के लिए बेहद शुक्रिया, आपको पता है आप बेस्ट हो। दोस्तों राजकुमार राव ने साल 2021 में की थी शादी। जी हाँ, राजकुमार राव और पत्रलेखा ने पिछले साल 15 नवंबर को शादी की थी। इससे पहले वो करीब 11 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पत्रलेखा और राजकुमार राव साल 2010 में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे। दोनों साल 2014 की पहली सिटी लाइट्स में नजर आए थे। दोनों की शादी को जल्द एक साल पूरा होने वाला है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है शहनाज गिल के इस चैट शो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल टॉप मस्त को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।